मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों सबको जय मसीह की। मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे दोस्तों अगर आप लोग भी पाप करते हैं, आप लोग पाप करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आप लोग पाप कर बैठते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आज प्रभु के कुछ वचनों को लेकर आया हूँ। अगर आप इन वचनों को हमेशा याद रखेंगे तो आप पाप करना बंद कर देंगे। अगर गलती से हो जाती या बहुत सारे लोग ऐसे प्रभु को नहीं जानते हैं वो पाप करते रहते हैं, आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोग भी पाप करना बंद कर देंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों अगर आपने हमारे सेकंड चैनल जीवित परमेश्वर 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं रोज़ाना उस पर सुबह शाम डेली प्रार्थना का वीडियो डालूंगा। तो मेरे दोस्तों उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वचन है नीति वचन अध्याय 15 पद संख्या 3। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है, वह भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग हमेशा इन बातों को याद रखें। प्रभु आकाश से ऊपर से स्वर्ग से हर एक लोगों को देखता है, वह भले हो या बुरे सारे लोगों को देखता है। वो सारे लोगों पर अपनी दृष्टि दौड़ाते रहता है कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग प्रभु का भय मानें, प्रभु हर एक चीज़ों को देखता है। आप लोग जो भी पाप करते हैं आप लोग उन पाप को करते वक्त हमेशा इन बातों का ख्याल करें कि प्रभु हमको देख रहा है और आप भूल कर भी उन गलतियों को उन पापों को ना करें क्योंकि प्रभु उसका दंड देगा। अंत के समय चल रहा है इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग भूल कर भी उन पापों को ना करें और इन वचनों को याद रखें क्योंकि प्रभु हमें हर एक वक्त हर समय देखता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग कभी भी इन वचनों को ना भूलें। दूसरा वचन है यशाया अध्याय 29 पद संख्या 15। धिक्कार उन लोगों को जो प्रभु से अपना योजनाएं छिपाते हैं, वे अंधेरे में पड्यंत्र रचते हुए कहते हैं हमें कौन देखता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों धिक्कार उन लोगों को, प्रभु का वचन क्या कह रहा है धिक्कार उन लोगों को, मतलब प्रभु उन लोगों से नफरत करते हैं जो लोग अंधेरे में पड्यंत्र रचते हैं, मतलब अंधेरे में मतलब अलग जगह छुप के कोई पाप करते हैं और कहते हैं हमें कौन देख रहा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोग जानते हैं कि प्रभु हमेशा हम पर दृष्टि बनाए रखता है, वो हमेशा हम लोगों को देखता है। लेकिन जो ये लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको कौन देखता है, अनजान में कोई पाप कर बैठते हैं या जानबूझकर कोई भी पाप करते हैं लेकिन बोलते हैं पाप करते वक्त सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, कर लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों आप लोग ऐसा भूल कर भी ना करें क्योंकि प्रभु हमेशा हर वक्त हमको देखते रहता है। आप लोगों ने पिछले वचन को जैसे देखा कि प्रभु आकाश से हमेशा भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग कभी भी पाप ना करें और ये ना सोचें कि हमें कौन देख रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग हमेशा इन वचनों को याद रखें। अगला वचन है यशाया अध्याय 66 पद संख्या 2। मैं उन लोगों पर दया करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो भय से मेरी वाणी को सुनते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों प्रभु का वचन क्या कह रहा है, प्रभु उन लोगों पर दया करता है। अगर आप लोगों से भी पाप हो जाता है, आप चाहते हैं कि पाप नहीं करें फिर भी आप लोगों से पाप हो जाता है तो आप लोग प्रभु से माफ़ी मांगें और प्रभु से अनुग्रह मांगें क्योंकि प्रभु उन्हीं लोगों पर दया करता है जो माफ़ी मांगता है, पछतावा करता है और भूल कर भी उन पापों को नहीं करता है। प्रभु उन्हीं लोगों पर दया करता है और प्रभु आप पर भी दया करेगा और आपको अनुग्रह देगा कि आप उन पापों को दोबारा ना करें। और वो लोग जो प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु को वचनों को मानते हैं कि हाँ ये सच में प्रभु का वचन है, प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं वही प्रभु का वचनों का पालन करते हैं और प्रभु के भय मानते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग भी प्रभु का भय माने, प्रभु आप पर दया करेगा और आपको अनुग्रह देगा कि आप पापों को ना करें और अंत का समय चल रहा है आप अधोलोक जाने से बच सकेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप लोगों ने इन तीन वचनों को हमेशा याद रखना है और आप कभी भी पाप नहीं करेंगे और प्रभु से अनुग्रह मांगना है, प्रभु से दया मांगना है कि हम प्रभु भूल कर भी इन सभी पापों को ना करें, हमारे जितने भी पाप हुए हैं हमारे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए। आप लोग इस तरह से प्रभु से प्रार्थना करिए और प्रभु आपको अनुग्रह देगा, आप कभी भी उन सारे पापों को दोबारा नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाइयों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और जाते जाते हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए क्योंकि हम रोज़ाना डेली उस पर प्रेयर की वीडियो डालेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाइयों सबको जय मसीह की।